और तेरे लहजे ने बताया कि हक़े मुस्तफ़ा क्या है, तेरे लहजे ने बताया कि हक़े मुस्तफ़ा क्या है, और मालिका दस्या कि वफाओं का सिला दस्या के लिए उन्होंने दस्या। हाँ फिर अखलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। इस्लाम सदा इम्तिहान नहीं लगा, लोग गल्ला करते रहे। उस्ताद साहब फरमाते सन गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा 7 लाख होया, गाजी मुमताज का जनाजा 60 लाख होया। अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा तो कोई आशिक रसूल ही तोड़ेगा। कयामत तक हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के दौर में भी तो सन ना और लोग सन जड़े कहते सन इमाम साहब छोड़ दो वो कोई गल नहीं जी, इमाम साहब तुम जान दो तुम कल ही हक हो। फरमाया बैनना व बैनकुम अल जनाज, फरमाया तुम्हारे दरमियान साढ़े दरमियान फर्क जनाजे करेंगे। फिर एक वक्त आया इमाम साहब को कोड़े लगाए जा रहे सन, बादशाह वक्त ना टक्कर हुई सी, वो कहता सी कुरान मखलूक है। आपने फरमाया सिफत कदीम है कुरान, अल्लाह की सिफत कदीम है। आप नंगे नंगी पीठ के उत्ते ऊंट दी बन के ते आपकी कमीज उतार के ते नवे जल्लाद आपको कोड़े मारते सन। एक दिन आप बाजार कोड़े लग रहे ते आपने जल्लाद को कहा यार रोक जोर का नमाज जोर का टाइम हो गया मैं नमाज पढ़नी, तो उन्होंने ऊंट तो खोले आप थले उतरे। तो उस वक्त के मुस्लिहीन जड़े आज सानू भी समझाते हैं, आज सारिया गल कर दें जनाब ऐसे है वैसे है सारिया चीजा, तो जनाब उस वक्त के मुस्लिहीन आ गए कहने जी तुम शरी मसला नहीं पढ़िया, अगर खून जगह तो बह जाए तो नमाज नहीं होती। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र ते करोड़ा रहमत होन। आपने फरमाया मैनू ऐ दस जनाब उमर नु खंजर मस्जिद के अंदर लगे सी जारी खून के नमाज हुई सी, फरमाया जनाब अली नु नजफ के अंदर कूफे के अंदर खंजर लगे सी मस्जिद के अंदर ते नमाज मुकम्मल हुई सी, फरमाया पीछे हट जा अहमद बिन हंबल भी आपकी खातिर खा रहा है इसकी नमाज भी हो जाएगी। जनाब खाली हुसैन अखवाना बड़ा आसान है, हुसैन के मिशन से चलना बड़ा औखा, इतने सिर पहले कदम बाद चौंदा सिर हाथ कदम बाद छोड़ता। तहरीक पाकिस्तान के मरकजी कायदीन के वीडियो बयानात और मजीद नई अपडेट हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल रिजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके।